बनाओ भाई सब लोग फटाफट। बना लिए? आप बना लिए? ये फोटो उठा उठा लिए घर में, रूम में जाके बनाएंगे। ठीक है आओ। अच्छा नीट बनाइए ताकि समझ में आना है। ठीक है अभी एक्सप्लेन भी करेंगे और एक बार अच्छे से बनाओ। आप क्यों नहीं बना रहे भाई? रूम में जाके बनाएंगे। क्यों? अच्छा अभी तक का कल का क्या बना लिए? रूम में जाके चार्जिंग का आईडी लाइन थर्मल लाइन बनाए बनाए फेयर नोट्स बनाए? नहीं फेयर नोट में रफ में बनाए हैं, उसको एक बार प्रैक्टिस किए हैं। वो ऐसी से घर में जाके घर में सो जाता वो? नहीं नहीं सर नहीं होगा। हाँ क्लास में भी बनाना है, 2 घंटे का टाइम है, उसमें भी बाद में बनाएंगे बोले तो कैसे चलेगा? आप अंडरस्टैंड हो रहा आपको? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाथ से बनाने वाली चीज हमेशा याद रह जाती है। जी सर समझ में आ रहा है? ठीक है थोड़ा एक्सप्लेन करना अभी है। जी सर ठीक है, यहाँ डायग्राम खोलो इसका। आप लोग बना लो। क्या नाम है आपका? शेख अमीर अली। कहाँ से? उड़ीसा कटक। उड़ीसा कहाँ पे? उड़ीसा कटक। कटक से? जी सर। अच्छा इतना दूर हैदराबाद आ गए उड़ीसा से? सर उसकी वजह हैदराबाद इंडिया में आपको दिल्ली वगैरह करीब पड़ता होगा, गुजरात वगैरह, बॉम्बे, इतने बड़े बड़े शहर है, फिर हैदराबाद फोन फिक्स कैसा आ गया भाई? सर वो जब वीडियो एक यूट्यूब में वीडियो आया नोटिफिकेशन, तो उसको हम जब क्लिक किए तो वो यूट्यूबर बोल रहे कि ये हम एक फोन लेके आए हैं, तो सर इतना ही बोले थे कि कोई भी फोन हो, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, 20 मिनट में हम उसको फिक्स करके देते हैं। अच्छा स्टूडेंट जो बोले थे हमारे? जी स्टूडेंट बोले थे। तो अच्छा। सर सिर्फ बोले कि ये 20 मिनट में फिक्स कर देंगे, तो पीछे तरफ में स्टूडेंट जो बैठे हुए थे वो बोले कि हाँ 20 मिनट में होता है। तो जब ये बात बोले तो हम वहीं पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा अब लेने के बाद में तब तो हम थोड़ा बिजी थे, दुकान पे थे, वीडियो वहीं पे रख दिए। रखने के बाद में फिर दो चार दिन के बाद में हम पहले मतलब एक बैलेंस हमारा आने वाला था 30,000 का, तो वो बैलेंस हमारे अकाउंट पे जैसे ही कंफर्मेशन हुआ तब हम कॉल किए। कॉल करने के बाद में सर बोले, ऐसा क्लास का डेट तो नहीं पता था, बस ये बोले कि 10 दिन का कोर्स होता है, उसके अंदर में EMMC, CPU, डबल डेकर, व्हाइट पेस्ट, ब्लैक पेस्ट, ये सब कुछ का टोटल क्लियर करके हम देते हैं। एकदम फुल्ली आपको ट्रेन करके, यहाँ से ट्रेन होके जाओगे आप। तो जब ये बात हम सुने तब हमारा सिचुएशन ये था कि हमको CPU, EMMC पता था, व्हाइट पेस्ट, डबल डेकर, ब्लैक पेस्ट, ये सब कुछ के बारे में हम टोटली अननोन, मैंने कुछ इसके बारे में जानते ही नहीं थे। तब हम सर को पूछे, हम बोले सर ये ब्लैक पेस्ट और व्हाइट पेस्ट क्या होता है? तो तब हमको सर बताया कि व्हाइट पेस्ट जो है वो सैमसंग के सेट में आता है, और ब्लैक पेस्ट ओप्पो वीवो वगैरह में ब्लैक पेस्ट आता है, जो कि CPU के ऊपर में वो कोटेड होता है प्रोटेक्शन के लिए, वाटर डैमेज के वगैरह उसके वजह से। अच्छा ये बात जब सर बोले तो हमको समझ में आया कि नहीं अब ये होना चाहिए। तो अब उसके बाद में सब स्टूडेंट्स लोग का जो ये था मतलब फिर से वो वीडियो हम ओपन किए और एक बार और देखे कि वो स्टूडेंट्स लोग अपना फीडबैक क्या क्या दिए हैं। तो दो ही फीडबैक देखे हुए थे, तो एक में एक बच्चा लिखा था जो कि अगर मैं, वो 3 जगह से ट्रेन होके आए थे, ये उनका 4th ट्रेनिंग सेंटर था, तो बोले हम किसी को बताया नहीं कि हम 3 जगह से सीख के आए हैं। अच्छा वहां पे जाने के बाद भी जब हमको पूछे तो हम बोले नहीं सर फर्स्ट टाइम आए। अच्छा तो हमारा 4th वो ट्रेनिंग सेंटर था, पर दैट वन इज द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर इन माई लाइफ। Okay. जो उसके बाद में मुझे और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उससे पहले जहाँ गए थे वो बेकार था। क्या बात है। तो जब ये बात हम देखे, देखने के बाद में हम उसको क्लोज करा, माइंड पूरा कंफर्मली सेट कर दिए कि हमको जाना है। जी जी। तो बस इतनी सी बात है। तो अब जब आए आप कब से काम कर रहे थे? आप कितने साल से काम कर रहे थे? हम 2006 से ट्रेनिंग लेना शुरू किए थे, जबकि वो कीपैड एरियल वाला फोन आ रहा था। 2006 मतलब करीब करीब 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गया आपको काम करते हुए। इसके बाद भी आपको अपडेट होना पड़ा? जी सर। और आप हमारे पास आके अभी कितना दिन हो गया? 18-19-20 आज 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। 3 दिन में क्या लगा आपको, जो बच्चे रिव्यू दिए थे वो फेक थे क्या थे? नहीं सर 3 दिन में तो हमको ये लग रहा है बच्चे जो रिव्यू दिए थे वो तो परफेक्ट था। और आज ही मैं एक मेरा फ्रेंड फोन किया, बोला भाई इतना दूर गया है तू, वहाँ पे जाके तेरा कुछ, मैं बोला भाई अब तक हम लोग अंधेरे में जैसे अंधे को लाठी दे देते हैं और उसको बोलते हैं भाई तू घुमा के कितने को मार सकता है, तो सबसे पहले जो लाठी दिया है वो भी मार खा सकता है। तो अब तक हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, लग गया तो भाई पैसा जेब में, नहीं लगा तो कस्टमर जीत गया तेल लेने। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं आके अभी जो मैं आया हूँ, यहाँ से जाने के बाद मेरे आंख से पट्टी हट चुकी है, मैं जो काम करूंगा मुझे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब अंदाजे में कर रहे थे,
हो गया भाई कस्टमर तेरा, हो गया नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये मुझे भी पता नहीं होता था। करेक्ट करेक्ट। एक सेट डेड आया, मुझे ये भी पता नहीं था कि वो सेट डेड क्यों है, और बाकी कस्टमर जब पूछे तो भाई इसका पावर एसी प्रॉब्लम है, जबकि उसका पावर एसी का प्रॉब्लम है कि नहीं ये मुझे भी पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि इन एक्चुअल प्रॉब्लम होता क्या है, क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो अभी जो सर्किट डायग्राम समझा रहे हैं आपको, जैसा अभी यहाँ पर भी है, तो ये अभी समझ में आ रहा है आपको? जी सर, परफेक्टली। पहले कभी ऐसा नॉलेज था क्या आपको? नहीं सर, नहीं था। डायग्राम वगैरह भी कुछ था आपके पास? बहुत पहले वो 2015 जब सीखने के लिए गए थे तब हमको डायग्राम दिए थे, वो कीपैड 6600 नोकिया का, वो सब फोन सबका दिए थे, तब वो डायग्राम में जैसे बता देते थे, वो फोन बंद होने के साथ वो डायग्राम भी उसी के साथ बंद हो गया। उसके बाद में डायग्राम हम लोग कभी खोले ही नहीं कि उसके बारे में सोचे भी नहीं। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको, कैसा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? सर इसके बारे में तो अल्फाज नहीं है कहने के लिए, मतलब आउट ऑफ थॉट, हम सोच भी नहीं सकते उस लेवल के बारे में जिस लेवल में हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसका ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा ट्रेनिंग कुछ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे खाली दिन भर बोर्ड पे लिखाते तो नहीं खड़ा थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। दो घंटा हमारा, दो घंटे का जो थ्योरी होता है, वो दो घंटे में जो थ्योरी होता है वो फुल्ली कम्प्लीटली हमको समझ में भी आता है, समझ में आने तक समझाया जाता है, और उसके बाद में अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमारा रात में 10 बजे से भी सर जाते हैं क्लास में, अगर यहाँ पे कुछ हमको डाउट अगर रह भी जाता है वहाँ पे सर को जब हम पूछ लेते हैं तो सर डाउट। हॉस्टल तो में भी सर रहते हैं आपके साथ? हाँ, रात में भी क्लास ले रहे हैं आपको? जी, रात में भी क्लास लेते हैं, नाइट क्लास होता है, और तब हमको जो भी डाउट होता है, जो भी डाउट होता है वो वहीं पे पूछ लेने से सर हमको क्लियर कर देते हैं। तो जो सोच के आए थे मिल रहा है आपको? उससे ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। 3 दिन में बता रहे हैं आप? जी सर। देखो बहुत लोग देख रहे होंगे, कोई फेक वीडियो तो नहीं है ये? नहीं सर, सारे स्टूडेंट है भाई। जी सर, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या सोच के आए थे मिल रहा है आपको? जी सर। तो प्रैक्टिकल कब से कब तक हो रहा है अपना? प्रैक्टिकल दिन के 2 बजे से स्टार्ट होता है और लंच आवर 1 बजे हो जाता है, 2 बजे तक हम जब वापस आते हैं 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, सर तो पहले से ही मौजूद होते हैं 2 बजे से रात के 8 बजे तक। तो प्रैक्टिकल में जो सर बताए रिबॉलिंग 1 शॉट में हो रहा है? जी सर। इजी लगा ट्रिक? जी सर। रिबॉल करना है, आईसी लगाना है, खोलना है, ब्लैक पेस्टेड क्लीन करना है, इजी लगा आपको? डबल डेकर कौन कौन बना लिए भाई इसमें से? एक हैप्पी, आप भी बना लिए, और इन्हें तो हाथ ही नहीं उठा रहा, ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। अभी आईसी लगाना, निकालना, रिवॉल्व करना कोई डाउट तो नहीं है? नहीं कर लेंगे ना सब लोग आईसी का? अब बच गया क्या हमारा सर्किट का नॉलेज, बना लिए सब लोग? डायग्राम थोड़ा बताओ, कौन कौन कंप्लीट कर लिए पूरा, इधर हुआ कि नहीं अभी, थोड़ा बताओ ऐसा बुक बता दो भाई, थोड़ा और अच्छा बनाओ आप। चल रहा है आपका प्रोसेस? चल रहा है सर, चल रहा है, एडजस्ट करना। चलो जरा जल्दी से बनाओ भाई, ठीक है। कहाँ रहते हो आप वैसे? सर कटक में, जगतपुर। कोई आना चाहे उड़ीसा से उनको क्या बोलना चाहेंगे, या इंडिया से कोई बच्चे आना चाह रहे उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे सर यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में? या अगर मोबाइल लाइन में आपको मतलब काम करना है तो आप एक बार यहाँ पे आओ और ट्रेनिंग होके, ट्रेंड होके अगर आप चले गए, इन केस आपकी उम्र 60 साल हो गई तब आप काम कर नहीं कर पाए काम, और करोगे नहीं, काम बंद कर दिए तो आप घर पे ही बैठोगे और बच्चे आपको सिर्फ सजेशन आपसे लेके जाएंगे, उसमें से भी वो मतलब सिर्फ सजेशन से ही वो कुछ बन सकते हैं। अभी तो जाने के बाद कुछ सेट वापस तो नहीं जाएंगे ना ये लेवल का? अगर पूरा 10 दिन आप गुजार लोगे यहाँ पे, जी सर, काम वापस तो नहीं जाएगा अभी आपका? नॉट पॉसिबल। और आपके टाइप का कोई लेवल का टेक्नीशियन हो सकता है क्या मार्केट में, जब अगर हम इस पे 1-3 महीने 6 महीने मेहनत कर लेंगे? हमारे मार्केट पे होना पॉसिबल नहीं है। 3 महीने 6 महीने अगर आप ये नॉलेज के साथ काम करेंगे, जी सर, तो आप तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे ना? जरूर जरूर सर। निगमानंदन साहू ये भी उड़ीसा से ही है, पिछले बैच के? जी सर। उनका कमेंट है यहाँ पे, उड़ीसा से भाई, उड़ीसा से है ना? कहाँ से है थोड़ा बोलिए। हम कटक से हैं। कटक से है, ठीक है। चलो हो गया भाई डायग्राम बना लिए? चलिए तो सबसे पहले ये बताइए ये कौन सा आईसी है, आपका नाम क्या बताए? शेख अमीर अली। अमीर अली, चलिए अमीर ये बताइए ये कौन सा आईसी है? ये सर ये हमारा लाइट आईसी है। लाइट आईसी कितने लैग का है? 6 लैग का है। 6 लैग का आईसी है, तो सबसे पहले इसमें क्या लाइन देखेंगे हम लाइट के लिए? सर सबसे पहले हमें जो VPS लाइन जो है वो हमारे आईसी तक आ रही है कि नहीं, आईसी तक आ रही कि नहीं चेक करेंगे। तो ये VPS लाइन कहाँ से आती है थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। VPS लाइन जो है हमारा VPS सिग्नल DC to DC आईसी से, DC से। वोल्टेज सबको मालूम है?
कहाँ से, थोड़ा रिप्लाई करिए भाई सब लोग। हाँ सर, कहाँ से आता है डीसी डीसी पता है? हाँ सर। किसी से पूछने का जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। चेक कर सकते हैं, अगर ये वीपीएन लाइन नहीं आ रही है कहीं और से कहाँ से बाईपास करना है सबको पता है? जी सर। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर नो? हाँ सर। कर सकते हैं। चलिए वीपीएन लाइन आ रही है, सबसे पहले क्या कॉम्पोनेंट यहाँ पे मिला हमको? सबसे पहले हमको सर कॉइल मिला। कॉइल मिला सीरीज है के पैरेलल? सीरीज। वेरी गुड, कैसा है भाई? सीरीज में है। उसके बाद वो लाइन कहाँ गई? उसके बाद में वो लाइन आके यहाँ पे सिक्स नंबर पिन के सिक्स नंबर पिन पे वो एंटर हुई। एंटर हो गई, तो उस लाइन को यहाँ पे डायग्राम में बता दीजिए कहाँ बनाए हम ऊपर यहाँ बोर्ड पे। सर यहाँ पे ये लाइन आके ये वीपीएच फोर वोल्ट यहाँ पे एंटर हुआ। ठीक है, ये जो अपन बोर्ड पे बनाए अभी, जी सर, ये जो बोर्ड पे बनाए अभी आपको कोई भी मॉडल का दे दूं तो ऐसा बना सकते हैं? पहले आता था कि आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही भाई? नहीं आता था, अभी ये समझ में आ रहा ना? जी सर। सब लोग बना सकते हैं? ठीक है, चलिए उसके बाद बताइए। उसके बाद से सर वहाँ से एक कनेक्शन यहाँ से आया, आने के बाद में ये बूस्ट यहाँ पे हमारा एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ। जी सर, बूस्ट कॉइल लग के एक कनेक्शन यहाँ पे SW 4 नंबर पिन पे चला गया। ठीक है सर, उसके बाद में वो कनेक्शन फिर ये होता हुआ एक डायोड के थ्रू पैरेलल लाइन में एक दो कैपेसिटर किसी के किससे होता हुआ हमारा LCD जैक पे आके पहुंचता है। अच्छा। जो कि LCD जैक के एक लेग पे लगता है, वो पॉइंट जो आके यहाँ पे पहुंचा वो है हमारा एनोड लाइन। एनोड लाइन कितने नंबर पिन पे आया? ये हमारा आ गया 16 नंबर लाइन। ये हमको मालूम कैसा हुआ 16 नंबर पे आया बोल के? सर वो अभी आप हमको डिस्क्राइब करने के बाद में, और बाकी वो हमारा जो डायग्राम था उस डायग्राम खोले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट। हार्डवेयर सोल्यूशन तो नहीं खोले अपन? नहीं सर। बिट मैप तो नहीं देखे? नहीं सर। लाइन कहाँ आ रही? नहीं सर। आप लोगों को हार्डवेयर सोल्यूशन या बिट मैप तो नहीं बताते? नहीं ना यहाँ पे कहाँ से सीखते हम लोग? क्योंकि कल के दिन अगर बोर्नियो वाला बंद कर दिया या कोई मार्केट में कोई भी उसका डायग्राम बना के नहीं दे रहे तो अपन बैठे रहेंगे क्या? नहीं सर। नया कोई भी मॉडल आ जाए हम किसके जरिए रीड कर सकते? सर डायग्राम के जरिए। किसके जरिए? स्कीमेटिक डायग्राम। अभी समझ में आ रहा ना सबको? ठीक है चलिए, एक लाइन तो आप बता दिए, आगे बताइए। उसके बाद में सर वो लाइन हमारा प्लस पॉइंट का लाइन चला गया। उसके बाद में सेकंड थिंग जो हमारा EN सिग्नल 1.8 वोल्ट जो हमें आइदर CPU से या फिर हमारे पावर IC से मिलना चाहिए। ठीक है, जो जिसको कि EN सिग्नल जो होता है उसको हम 3-way पे चेक कर सकते हैं, या तो उसे EN सिग्नल कहते हैं 0.8 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट आता है, या फिर उसे I2C भी कहा जाता है, I2C भी आता है 1.8 वोल्ट, या फिर SPI आता है। ठीक है जी सर, ये तीन सिग्नल में वो आ सकता है। ये लाइन कहाँ पे जा रही है? यहाँ से IC से आउट होके? जी सर, ये पावर IC से आती है, और बाकी ये एक NO मतलब ये एक रजिस्टर से होता, मतलब ये जरूरत नहीं है। ठीक है, NF है। NF है, ठीक है, ठीक है। वो रजिस्टर से होता हुआ ये सीधा EN सिग्नल। ठीक है, कनेक्टर पे कहाँ पे गई हो? जी सर, कनेक्टर वो वहां से होता हुआ उसका ये कनेक्शन जो है ये होता हुआ 20 नंबर पावर पिन पे आता है। मतलब ये लाइन समझ में आया? ये PWM लाइन क्या होती है मालूम हुआ ना आपको? PWM नहीं रहा तो वहाँ क्या लिख के होगा? CABC क्या होगा? CABC लाइन। ठीक है चलिए, अभी यहाँ बताइए कैथोड लाइन कहाँ से हमारा आउट हो रहा है? कैथोड लाइन सर IC के एक नंबर पिन से सीधा जाता है LCD जैक पे। ठीक है, वहाँ पे ठीक है, वो मत बताना, वो तो हाइट करना है अपने को। कैथोड लाइन अगर ट्रैक पूरी सही रहने के बावजूद भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है देखे अपन? जी सर, है ना? तो अभी कोई लाइट का प्रॉब्लम आपसे वापस जाएगा क्या भाई? नहीं जाएगा सर। बोलो भाई, नहीं, लाइट सेक्शन रिपेयर कर सकते हैं ना सब लोग? 100%। हाँ भाई, 100%। तो इतनी लाइनें पहले यहाँ आने से पहले चेक करते थे क्या? नहीं करते थे सर। अभी कर सकते हैं? जरूर सर। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप्स करिए। ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच। अपन अभी डिजिटल IC बॉल वाला IC का हम सप्लाई चेक करेंगे कैसा है, उसमें काम करता है।